आठ चैप्टर हमने पढ़ने हैं इस बुक के, तो पहला चैप्टर आज शुरू कर लेते हैं। लेकिन पहला चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन वाली बातें कि HTML, सबसे पहला तो सवाल आपसे ये है मेरा कि HTML अगर किसी को पता है तो बताए कि क्या मतलब होता है HTML का, व्हाट डज HTML स्टैंड्स फॉर। जी दोस्त, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, तो ये तो बताया इन्होंने बहुत अच्छा। तो क्या मार्कअप क्या चीज़ होती है, मार्कअप लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, कोई ये बता पाएगा मार्कअप क्या होते हैं? जी दोस्त, ये मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है HTML, ये जस्ट एक मार्कअप लैंग्वेज है। लेकिन मार्कअप क्या होता है, अंग्रेज़ी में मार्कअप किस चीज़ को कहते हैं? अंग्रेज़ी में मार्कअप हम कहते हैं कोई भी, जैसे मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ उसमें मैंने कोई मुश्किल लफ्ज़ था उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया उसको, या उस पर हाईलाइटर लगा दिया मैंने, तो दिस इज़ कॉल्ड मार्कअप। ठीक है, मार्कर जो हम ख़रीदते हैं ना दुकान से, तो मार्कर से जो सारे काम करते हैं वो सारे मार्कअप्स होते हैं। अच्छी सी करके हेडिंग लगा दी मैंने, कोई उसको टेबल सी बना दी, शेप बना दिया टेबल का, उसके अंदर बॉक्सेस बना दिए, उसमें लिख दिया। ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मार्कअप। जो हम नाइन्थ क्लास में जर्नल तैयार करते हैं जो, तो वो जर्नल में जो सारा काम कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर मार्कअप्स। ठीक है, कहीं पे कोई फिगर बना देते हैं हम, ठीक है, जो कैप्शन के साथ, तो वो सब मार्कअप कहलाता है। वेल, तो ये तो HTML सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, तो HTML का मतलब हमें पता चल जाना चाहिए कि HTML क्या होता है। ये मार्कअप की एक लैंग्वेज है। वही सारे मार्कअप जो एक जर्नल के अंदर हम हाथ से लिख रहे होते हैं, मार्कर से मार्किंग कर रहे होते हैं, वही सारा काम अगर मुझे डिजिटली करना है, स्क्रीन के ऊपर लाना है, क्योंकि एक वेबसाइट जो अभी आप लोगों ने हेलो वर्ल्ड सब लोगों ने बना ली है, तो उस हेलो वर्ल्ड वेबसाइट के अंदर एक्चुअल में क्या था, हेडिंग थी, पैराग्राफ्स थे, सब हेडिंग्स थी उसमें, है ना, और टेबल वगैरह भी हो सकता है आप में से किसी ने यूज़ किया हो, क्योंकि मैंने कहा था कि टेबल और वो लिस्ट वगैरह भी देख लीजिएगा। तो वो लिस्ट जो टेबल्स, ये सारा क्या है, ये सारा मार्कअप है, ये सारा पेपर पे होता था, अब ये डिजिटली HTML के अंदर हमें करना होता है। तो वही सारा मार्कअप जब मुझे कंप्यूटर को समझाना होता है, तो कंप्यूटर को कोई भी बात समझाने के लिए लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज, कि कंप्यूटर को हम बताते हैं कि अच्छा जी ऐसे करके मार्कअप लगा दो, इस चीज़ को बोल्ड कर दो, इस चीज़ को इटैलिक कर दो, इस चीज़ को हेडिंग बना दो, तो ये मार्कअप का सारा चक्कर है। अच्छा, और मार्कअप लैंग्वेज तो ये आ गया समझ, किसी का कोई सवाल तो नहीं है मार्कअप लैंग्वेज में? अच्छा, हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज है ये, तो ये शुरू का जो पार्ट है इसके, हाइपर टेक्स, हाइपर टेक्स का क्या मतलब हुआ अंग्रेजी में, हाइपर टेक्स किस चीज़ को कह सकते हैं, हाइपर किस चीज़ को कहते हैं, गुस्से वाले को कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो टेक्स्ट होता है वो हाइपर भी हो सकता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये है कि उस टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो वो रिएक्ट करेगा सामने से। ठीक है, वो रिएक्ट क्या करेगा कि मे बी आपको किसी दूसरे पेज पे लेके चला जाएगा। ठीक है, मे बी उस बटन के क्लिक से कोई फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरेक्टिव है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो इंटरेक्टिव होगा, जब आप उसको छेड़ेंगे तो वो भी सामने से कुछ बोलेगा। ठीक है, ऑन अदर हैंड जो जर्नल में या कॉपी में जो हम मार्किंग करते हैं वो हाइपर नहीं होता। ठीक है, वो इंटरेक्टिव नहीं होता, उसको आप टच करेंगे तो वो कुछ करता नहीं है सामने से। ठीक है, यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो हाइपर हो सकता है, जो अभी लिंक्स का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वो डिटेल में डिस्कस होगी बात सारी। तो अच्छा, अब ये तो बात ये हो गई कि भाई HTML का पेज जो हमने बनाया था उसको हमने समझ लिया कि वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है, उसके अंदर मार्कअप क्या चीज़ होती है, उसी का डिजिटल वर्जन है एक जर्नल का या एक पंपलेट का। आज से पहले, जब इंटरनेट के दौर से पहले की बात है, तो लोगों के पास हैंड आउट्स होते थे, पंपलेट होते थे, जो मस्जिदों में बांट दिया करते थे, है ना, या चौराहे पर खड़े होकर बांट देते थे कि जी ये हमारी ऑफ़र चल रही है। तो अब तो वेबसाइट वाला टाइम आ गया, तो वेबसाइट पे होता है ये, या फेसबुक पे मार्केटिंग चलती है। तो उसमें भी पर्चे में जो वो प्रिंटिंग प्रेस से छपा हुआ होता था, उसमें यही है मार्कअप वाली चीज़ें सारी, उसमें भी बड़ी सी हेडिंग है कि जी खुशखबरी,
या बचत बाजार या जो भी उसका चल रहा है, या क्या कहते हैं सेल लिखा हुआ होता है बड़ा सा उस पंपलेट के ऊपर, और नीचे लिखा हुआ होता है कि भाई क्या क्या आप सेल में आइटम मौजूद है। अगर कोई मोटरसाइकिल बेचने की दुकान है तो वो मोटरसाइकिल की फ़ोटोज़ बनाई हुई होती हैं और तीनों मोटरसाइकिल की का नाम लिखा हुआ होता है, साथ में प्राइसेस लिखी हुई होती हैं, फिर उसको कार्ट के जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो लिखी। तो इस तरह के मामला चल रहे होते थे, पंपलेट के ऊपर होता था लेकिन ये काम, अब वही काम जो वेबसाइट पर हो रहा है। अच्छा, मगर एक सवाल अब ये है कि हाउ पीपल एक्सेस वेब, एक वेबसाइट को लोग एक्सेस कैसे करेंगे। उससे भी पहले लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एक वेबसाइट है क्या, वेब क्या है, व्हाट इज़ वेब। ये WEB जो वेब लिखा हुआ है, इससे आप क्या समझते हैं कि ये क्या है, अंग्रेज़ी में इस वेब का क्या मतलब होता है, कोई बता पाएगा। वेब गूगल करो जल्दी से कि वेब का क्या मतलब है। क्योंकि जब वेब समझ आएगा तो वेबसाइट समझ आएगा। जल्दी से बताओ जिसको डेफिनेशन पता चल जाए वेब की। नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब तो एक कंपनी है। उस वर्ल्ड वाइड वेब में वेब का क्या मतलब है, वेब की डेफिनेशन लिखो। सिर्फ वेब, सिर्फ वेब लिख के एंटर करो। नहीं, वेब की फुल फॉर्म नहीं है कोई। हाँ, खुशी बनकर तैयार हो जाए। नहीं, वेब का एक मतलब होता है बाबा, वेब। चलो मैं यहाँ पे लग के बता देता हूँ, तुम लोगों को नहीं मिल रहा। तो ये लिखना है सिंपल सा कि वेब डेफिनेशन, तो ये डिक्शनरी खुल जाएगी और ये डेफिनेशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं इसको गौर से हम। ये देख रहे हो, ये वेब इसको बोलते हैं हम। सही है, मकड़ी का जाला जो होता है, मकड़ी का जाल नहीं, किसी भी जाल को, इन जनरल किसी भी जाल को वेब कहते हैं। ठीक है, किसी भी जाल को इन जनरल हम वेब कहते हैं। अच्छा, लेकिन कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है इसकी, वो ऑब्वियसली वो वेबसाइट वाली वेब है, तो इसलिए जब फौरन आप लिखेंगे तो वो कंप्यूटर वाली डेफिनेशन दिखा रहा है। लेकिन आप देखें, इससे इसका भी पहला जो डेफिनेशन है ना, अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स कंस्ट्रक्टेड बाय अ स्पाइडर। ठीक है, और सेकंड नंबर पे इसने जो है ना, अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स, ये सेकंड पे इसने रखा है स्टिल कंप्यूटर वाली डेफिनेशन को। वेल, तो अब इसको वेब, तो हमें पता चल गया कि जी वेब जो है ना वो क्या होता है, जाल को कहते हैं, चाहे वो मकड़ी का जाल हो, चाहे वो चारपाई बुना हुआ हो, चाहे वो मछली पकड़ने वाला जाल हो, ऑल ऑफ दोज जाल इज कॉल्ड वेब इन अंग्रेजी। अच्छा, अब ये वेब कंप्यूटर वाली जो डेफिनेशन है इसकी, वो क्या चक्कर है, वो ये चक्कर है कि वेब या इंटरनेट, इंटरनेट भी उसी का नाम है जो वेब का नाम है। ठीक है, वेब और इंटरनेट एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम है। दो कंप्यूटर को जब हम जोड़ देते हैं ना, दो कंप्यूटर को आपस में तारों के ज़रिए जब हम जोड़ देते हैं, तो वो दोनों कंप्यूटर आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। कि कंप्यूटर ए बी से कनेक्ट हुआ है और बी जो है वो ए से कनेक्ट हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक तीसरा कंप्यूटर अगर हम जोड़ दें, तो एक कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी और कंप्यूटर सी, तीन कंप्यूटर हैं और आपस में ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ए बी से जुड़ा हुआ है, बी सी से जुड़ा हुआ है और सी जो है वो ए से भी जुड़ा हुआ है और सी जो है वो बी से भी जुड़ा हुआ है। तो आपस में इंटरकनेक्टेड है ये। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर से बात कर सकता है, इंटरकनेक्टेड होता है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ जितने कंप्यूटर रखे हुए हैं, ये तमाम कंप्यूटर तार से जुड़े हुए हैं,
ये येलो कलर की ये तार चल रही है RJ45, ये सारे कंप्यूटरों तक गई भी है। अच्छा, और इवन दो कि मेरा लैपटॉप भी वाईफाई के ज़रिए इसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, मतलब जिस राउटर से ये पीली तार निकली हुई है उसी राउटर के वाईफाई से मेरा ये लैपटॉप कनेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं भी इस कंप्यूटर का जो ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं इसमें मैं भी शामिल हूँ। अच्छा, तो जब ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं ना पूरी दुनिया में, तो ये एक जाल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ठीक है, अगर मैं इसकी डायग्राम देखूँ ना तो कुछ इस तरह की डायग्राम बनती है। कुछ इस तरह की डायग्राम होगी, राइट, कि तमाम कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बेटर एग्जांपल है, ठीक है। इमेजिन करो कि इसमें जो हर सर्कल है वो एक कंप्यूटर है और ये सब के सब आपस में जुड़े हैं। तो अगर इस कंप्यूटर को बात करनी होगी इस कंप्यूटर से तो ये कैसे बात करेगा, इसके दरमियान एक कनेक्शन है। अच्छा, ये यहाँ से निकलेगा मैसेज, ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा और फिर यहाँ से घूम के ये इस तक पहुँच जाएगा। तो समहाउ ये तमाम कंप्यूटर ना आपस में इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, अब इसकी शक्ल बिल्कुल एक जाल की जैसी लग रही, इसी चीज़ इसको कहते हैं वेब। अच्छा, या इसको हम कहते हैं इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स के जाल को हम इंटरनेट कहते हैं, या उसको हम कहते हैं वेब, ठीक है। अच्छा, मेरा कंप्यूटर इस वेब का एक हिस्सा है या इस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स में से एक कंप्यूटर है मेरा कंप्यूटर, ठीक है, और इस रूम की बात हो रही है अभी। अच्छा, अब इस रूम से बाहर एक तार निकल रही है जो इंटरनेट का कनेक्शन हमने लिया हुआ है, उसका नाम क्या है, इंटरनेट का कनेक्शन। अच्छा, ये जो तार निकल रही है ना, ये तार पूरी दुनिया में पहुंची हुई है किसी ना किसी तरीके से। पूरी दुनिया के अंदर जो करोड़ों की तादाद में कंप्यूटर्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये तार मुझे उस नेटवर्क से जोड़ देती है, उस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स के जाल से मुझे जोड़ देती है। तो जब ये वाली तार मैं लगा लेता हूँ ना अपने राउटर में या अपने कंप्यूटर में, इंटरनेट से जब मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, तो फिर मैं पूरी दुनिया के अंदर जो एक बहुत बड़ा जाल है आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का, मैं उसका पार्ट बन जाता हूँ। जब तक ये तार नहीं लगती, जब तक इस रूम के कंप्यूटर से सिर्फ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके दो अलग अलग नाम हैं। इस रूम के अंदर जो तमाम कंप्यूटर ना, अगर मैं ये इंटरनेट की तार हटा दूँ, मैं सिर्फ इस रूम के कंप्यूटर को आपस में ये RJ45 से जोड़ दूँ, तो इसको हम कहते हैं इंट्रानेट, सही है। अगर ये इंटरनेट की तार लगा दूँ तो उसको हम कहते हैं इंटरनेट, सही है। तो इंट्रानेट तो हमारे मतलब की चीज़ है इंटरनेट, सही है। तार लगी हुई जो वो हमारे मतलब की चीज़ है। अच्छा जी, तो ये समझ आया है कि वेब क्या होता है, हैं, इंटरनेट या वेब ये कहते हैं किस चीज़ को, ये अभी समझ आ गया। अब हम ये समझ लेते हैं कि हाउ पीपल एक्सेस वेब, लोग इस वेब को एक्सेस कैसे करते हैं। अब ये तो जी मैं पार्ट तो बन गया इस जाल का, इतने बड़े जाल का, अब मैं करूँ क्या, है ना। उसके बाद अब क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि मैं या तो अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा, या तो अपना वेब सर्वर सेटअप करूँगा, या तो स्क्रीन रीडर के ज़रिए इस वेब को मैं एक्सेस करूँगा। आप सब लोगों ने जो तरीका इस्तेमाल किया हुआ है वो ब्राउज़र्स वाला तरीका है, ठीक है। आप सब लोग इससे फेमिलियर हैं, तमाम लोगों के पास स्मार्टफोन मौजूद है आई होप, या कंप्यूटर यहाँ पर मौजूद है। तो इस पर जो गूगल क्रोम खोलते हैं हम, गूगल क्रोम इज़ अ ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउजिंग वैसे किस चीज़ को कहते हैं, ब्राउजिंग अंग्रेज़ी में कहते हैं कोई भी आप बुक खोल रहे हैं और बुक के पन्ने आप पलटते जा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं ब्राउजिंग। या आप किसी स्टोर में चले गए, किसी मॉल में चले गए और आप हर शेल्फ में जाके देख रहे हैं अच्छा जी यहाँ क्या पड़ा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं ब्राउजिंग, ठीक है। तो ब्राउज़र का मतलब होता है कि आपको इधर से उधर घुमाने वाला। आप ब्राउज़र पर भी जाते हैं, आप गूगल के पेज पर जाते हैं, फिर वहाँ सर्च करते हैं, है ना। जैसे डेफिनेशन अभी हमने देख ली, अगर गूगल पर नहीं मिलती डेफिनेशन तो शायद मैं ऑक्सफोर्ड के पेज पर चला जाता, वहाँ से देखता, ठीक है। फिर YouTube है, Facebook है, तो Facebook पे जब आप जाते हैं तो डिफरेंट पेजेस पे आप घूम रहे होते हैं। तो ब्राउज़र का काम आपको घुमाना है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ लेके जाना, ठीक है। और वो बड़े अच्छे से ये काम करता है। तो ये ब्राउज़र्स के ज़रिए लोग एक्सेस करते हैं वेब को। अच्छा, उसके अलावा वेब सर्वर्स जो हैं,
अब वेब सर्वर्स आप सब लोगों ने सेटअप तो नहीं किया होगा कभी आई होप, लेकिन facebook.com को जब हम एक्सेस करते हैं तो facebook.com लिखते ही एक रिक्वेस्ट जाती है इस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर के जाल में, वो तलाश करता है कि facebook.com कौन सा है और वहाँ से वो रिस्पॉन्स लेकर आता है। तो facebook.com जो होता है वो सर्वर होता है, ठीक है। इस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर के जाल के अंदर हर एक कंप्यूटर का दो में से कोई एक रोल होगा, या तो वो एक कंप्यूटर होगा स्टैंडर्ड कंप्यूटर, हम सब लोगों के जो कंप्यूटर हैं ये स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स हैं, या तो वो होगा सर्वर, ठीक है। सर्वर जैसा कि नाम से जाहिर है, सर्व करने वाला, ठीक है। सर्व करना किस चीज़ को कहते हैं? पेश करने को कहते हैं कि भाई मेरे जैसे घर पे कोई मेहमान आया तो मैं उसको खाना सर्व करूँगा, ठीक है, और वो मुझसे रिक्वेस्ट करेगा, मैं उसके रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करूँगा, मैं उसके रिक्वेस्ट को सर्व करूँगा सामने से, ठीक है। तो इसी तरीके से इस जाल के अंदर जो कंप्यूटर अपना रोल्स शो करेगा सर्वर, तो उससे फिर कोई भी बात कर सकता है, ठीक है। मतलब मैं इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर से बात नहीं कर सकती क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंप्यूटर है, वो जवाब नहीं देगा मुझे, ठीक है। सर्वर का काम क्या होता है कि जब उससे कोई बात करे तो वो जवाब देता है, ठीक है। यही वजह है कि facebook.com लिखते ही फेसबुक का पेज खुल के आ जाता है। जी हाँ, लोकल सर्वर, जो लोकल सर्वर बनता है इंटरनेट, वो बिल्कुल यही सर्वर है, यही सर्वर है वो, ठीक है। तो अच्छा, तो आप एक बंदा क्लास में ऐसा है जिसने सर्वर का भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, काउंटर स्ट्राइक का सर्वर आपने बनाया हुआ है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर बोलता है भाई मैं सर्वर बन गया, बाकी लोगों को कहते हैं कनेक्ट हो जाओ इससे, इसी तरह होता है। तो ये सर्वर वही वाला सर्वर है जिसकी यहाँ बात हो रही है। अच्छा, वेब सर्वर लेकिन ऑन अदर हैंड, जैसे facebook.com है, दैट इज़ कॉल्ड वेब सर्वर, वो आपने नहीं बनाया होगा होपफुली, ठीक है। लेकिन इस क्लास में हम अभी तो HTML पढ़ लें ज़रा, फिर JavaScript पढ़ लें, जब हम सर्वर के टॉपिक पे पहुँचेंगे तो हम यहाँ पे एक वेब सर्वर बनाएंगे। मैं अपने लैपटॉप के अंदर जो वेबसाइट हमने छोटी सी बनाई थी, मैं उसको सर्वर में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे मेरे कंप्यूटर पे और मेरे कंप्यूटर से उठ के वो वेबसाइट जा रही होगी, ठीक है। तो सर्वर बाकायदा हम इस क्लास में बनाएंगे, अभी नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन हम बाकायदा बनाएंगे और आप सब लोग भी वो बनाकर चेक करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये है कि फेसबुक जैसी एक सोशल मीडिया टाइप की एप्लीकेशन, जैसे व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन, ये हम बना चुके हों इस तरह की एप्लीकेशंस जब हम इस क्लास से कंप्लीट करके जाएं तो, ठीक है। तो ये दराज जैसी कोई, या OLX जैसी एप्लीकेशन, ठीक है। तो मोर और लेस इसके अंदर काम सब में एक ही हो रहा होता है, लॉगिन साइन अप होता है इसके अंदर, जो प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हो रही होती है या चैट हो रही होती है, लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो ये सारे जो बेसिक चीज़ें हैं ना जो वेब में होती है, ये हम यहाँ पे से करके जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब जॉब्स वगैरह पे लगेंगे या कोई प्रोजेक्ट पकड़ेंगे आप, मे बी ASF का कोई प्रोजेक्ट आप करें, तो फिर बाकी की चीज़ आप उस पर सीखेंगे, ठीक है। जो बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ से हम करके जाएंगे। अच्छा, तो ब्राउज़र्स के ज़रिए लोग जो है ना वेब को एक्सेस करते हैं, और वेब सर्वर जो है वो क्या चीज़ होती है कि वहाँ पे से वो वेबसाइट उठ कर आती है। तो ये दो रोल होते हैं इस पूरे इंटरनेट के अंदर हर कंप्यूटर के। स्क्रीन रीडर क्या होता है? हम तो गूगल क्रोम का ब्राउज़र यूज़ कर लेते हैं आज, लेकिन जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, देख नहीं सकते, वो स्क्रीन रीडर्स का इस्तेमाल करते हैं। गूगल क्रोम के जैसा एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके ज़रिए वो इस्तेमाल करते हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, स्क्रीन पे जो भी कुछ आ रहा होता है उसको पढ़ के बताता है, और वो सुन रहा होता है, सुन के उसका उससे कम्युनिकेट कर रहा होता है कंप्यूटर से, ठीक है जी। तो मार्कअप्स लिखते हुए हम इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि कोई अगर स्क्रीन रीडर के ज़रिए आए तो वो भी इसको अच्छी तरह से एक्सेस कर सके इस वेबसाइट को। ऐसा ना हो कि जब वो स्क्रीन रीडर से आए तो उसको कुछ समझ ही ना आ रहा हो, ठीक है। अब वो स्क्रीन रीडर के लिए क्या चीज़ें लगानी होती हैं वो बुक में थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, वो हम भी देखते हुए जाएंगे कि अच्छा जी ये वाला जो पार्ट है ये स्क्रीन रीडर के लिए होता है, और ये वाला पार्ट जो ये सिमेंटिक एलिमेंट है ये स्क्रीन पे नज़र नहीं आता लेकिन इसका अंदर स्क्रीन रीडर वगैरह को ये हेल्प आउट कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये डिस्कस हो रही है बात कि हाउ द वेब वर्क्स, ये वेब काम कैसे करता है। ये तो चले जी समझ आ गया कि बहुत सारे कंप्यूटर थे, मैंने भी अपनी तार जोड़ ली उन कंप्यूटर से तो मैं भी उससे कनेक्ट हो गया,
अब मैं क्या करता हूँ, अपने कंप्यूटर से किसी सर्वर का एड्रेस लिखता हूँ और वहाँ से मुझे एक वेब पेज उठ के आ जाता है और मैं उसको चला लेता हूँ। लेकिन ये अंडर द हुड ये काम होता कैसे? जब मैं कोई सर्वर का एड्रेस अपने पास लिखता हूँ तो वो वहाँ तक कैसे रिक्वेस्ट जाती है और कैसे वहाँ से जवाब आता है, वो ये डिस्कस हो रही है बात। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट द वेब सर्वर होस्टिंग दैट साइट कुड बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्योंकि हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो पूरी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं हम सबसे कनेक्ट हैं। वो कह रहे हैं कि वो वेब सर्वर ना पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इस कमरे में ही होगा तो एक्सेस होगा या इसी शहर में होना चाहिए, वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। इन ऑर्डर फॉर यू टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द वेब सर्वर योर ब्राउजर विल फर्स्ट कनेक्ट टू अ डोमेन नेम सिस्टम DNS। अब कह रहे हैं कि उस सर्वर की लोकेशन तलाश करने के लिए DNS सर्वर से कनेक्ट होगा पहले आपका कंप्यूटर। अच्छा, अब ये DNS सर्वर क्या बना है भाई और ये लोकेशन क्या चीज़ है? उस सर्वर की लोकेशन मुझे क्यों तलाश करनी है, है ना? अच्छा, अब इस चीज़ को गौर से समझना कि इस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का जो जाल है, इस जाल में हर कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है, जिससे उसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। उस एड्रेस को हम कहते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। जितने भी इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, जब जैसे ही मैं अपनी तार जोड़ूंगा ना उस कंप्यूटर से, तो मेरे कंप्यूटर को भी एक एड्रेस असाइन हो जाता है, ठीक है, या मेरा कंप्यूटर खुद से एक एड्रेस अपने आप को दे देता है। अच्छा, अब वो जो एड्रेस है ना, अगर तो वो एड्रेस मुझे पता है तभी मैं किसी सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन facebook.com के केस में ऐसा नहीं होता है। मैं आईपी एड्रेस तो नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ facebook.com, अंग्रेज़ी में लिखता हूँ पूरा और वो चलता है। अच्छा, तो ये काम कैसे होता है? ये इस तरह से होता है कि एक, अच्छा, ये DNS जो है वो रीसेंट चीज़ है बहुत। जब शुरू शुरू में इंटरनेट आए थे तो बाकायदा आईपी एड्रेस ही लिखना पड़ता था, ठीक है। जैसे आप अभी एक दूसरे का फ़ोन नंबर लेते हैं, फ़ोन नंबर सेव कर लेते हैं आप लेके, ठीक है। तो इस तरीके से जब शुरू शुरू में ये आए थे, इंटरनेट जब शुरू में आया था, तो आईपी के ज़रिए ही दूसरे बंदे का कंप्यूटर एक्सेस होता था। आईपी आपको याद रखनी पड़ती थी, कॉपी में नोट करके रखनी पड़ती थी, फ़ोन बुक जैसे रखते हैं। फिर थोड़े दिनों में क्या हुआ, उन्होंने कहा यार आपको ना आईपी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक ख़ास किस्म के सर्वर बना दिए गए जिसको हम कहते हैं DNS सर्वर। उन्होंने क्या किया कि हर वेबसाइट का नाम और उसके आगे उसका एड्रेस ऐसे लिस्ट एक बना के रख लिया अपने पास, जैसे फोन डायरेक्टरी होती है कि नाम होता है सामने नंबर होता है, सेम इसी तरीके से। अब क्या होता है कि हम लिखते हैं facebook.com, अच्छा, लेकिन facebook.com कुछ चीज़ नहीं है या google.com कोई चीज़ नहीं है इटसेल्फ, पीछे इसके अभी भी आईपी एड्रेस ही चल रहा है। तो जैसे ही मैं लिख के एंटर करता हूँ ना, तो मेरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट निकल के जाती है पहले DNS में, ठीक है। अच्छा, DNS जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो DNS सर्वर लगा के बैठी हुई हैं, गूगल है, क्लाउड फ्लेयर है, बड़ा उनका फेमस है DNS सर्वर। तो या अगर मेरे कंप्यूटर से जब रिक्वेस्ट निकलती है ना, तो मेरे कंप्यूटर के अंदर भी एक DNS होता है छोटा सा, हर कंप्यूटर के अंदर भी एक छोटा सा DNS होता है, उसमें मैं लगा दूँ तो यहीं से उसको पता चल जाएगा। तो रिक्वेस्ट जब निकलती है ना, तो वो सबसे पहले जो करीब तरीन कंप्यूटर है वहाँ पर जाती है, वहाँ पर पूछती है उससे भाई DNS है, नहीं होता है तो और आगे जाती है, फिर और आगे जाती है, ठीक है। तो इस तरह भी हो जाता है। तो ये दो तीन अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि या तो मैंने अपने कंप्यूटर में ही लगाया वो, कि जी ये DNS सर्वर पूरा उठा के मैं इधर लगा लूँ, ठीक है, या फिर अपने कंप्यूटर में एक एड्रेस सेट कर दूँ मैं क्लाउड फ्लेयर वालों का, वो 8811 ऐसे करके कुछ है उनका, तो वो अच्छा अंदर वो सेटिंग में हुआ हुआ होता है। अगर आप गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट उसमें गूगल का DNS लगा हुआ होता है, ठीक है, या अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल करें तो शायद बाई डिफ़ॉल्ट उसमें माइक्रोसॉफ्ट का DNS लगा होता है। तो रिक्वेस्ट निकल के डायरेक्ट वहाँ जाती है, वहाँ से वो facebook.com के कॉरस्पॉन्डिंग में जो आईपी एड्रेस होता है उसको निकाल के लाती है और फिर उसको एक्सेस करती है। अब यहाँ पे आप देखिए इसको डायग्राम करके इन्होंने बताया हुआ कि जी ये सबसे पहला जो है ना, अ यूज़र इन बार्सिलोना विजिट sony.pj, ये जो ग्रीन कलर की एक लकीर बनी हुई है, ठीक है, ये बार्सिलोना के अंदर ये है और इसने कौन सी वेबसाइट विजिट की, sony.pj। बच्चा कोई सवाल है आपका तो मुझसे पूछ लो, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो गौर से इधर देखो फिर क्या हो रही है। अच्छा, तो इसने जो है ना
एक कोने में बैठ के दुनिया के एक दूसरे कोने की वेबसाइट को विजिट कर लिया। अ यूज़र इन न्यूयॉर्क विजिट google.com इन सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पे देखो ये अमेरिका के अंदर ही है और अमेरिका के अंदर ही मौजूद एक सर्वर को एक्सेस किया इसने। अच्छा, इसी तरीके से ये अ यूज़र इन स्टॉकहोम विजिट सम वेबसाइट इन सिडनी। जी हाँ, अच्छा तो ये दूर दूर की वेबसाइट लोग एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि व्हेन यू कनेक्ट टू अ वेब सर्वर ISP। अब यहाँ पे ये वो पूरी कहानी इसने बताई है कि जी वो DNS तक कैसे जाते हैं और वो DNS से कैसे निकाल के लाता है। ठीक है, तो जब एक सर्वर को मैं एक्सेस करता हूँ तो ये दो दफ़ा में एक्सेस होता है। एक दफ़ा में वो DNS पकड़ता है और अगली दफ़ा में वो उस सर्वर को एक्सेस करता है। अच्छा, और DNS एक दफ़ा ही होता है सर, पहली दफ़ा में होता है, उसके बाद वो उसको एड्रेस पता चल जाता है तो कम्युनिकेशन स्मूथ रहती है। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ तक आपका ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये अगला जो चैप्टर है आपका वो चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में जो चीज़ें हैं वो सारी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो हमने हेलो वर्ल्ड बनाया था ना उसमें चैप्टर नंबर 1 कवर हो गया था पूरा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपने क्या करना है, ये अगले जो 3 चैप्टर हैं HTML के, जो अगले 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये आपने घर से रीड करके आना है। जब अगली क्लास में आप आएंगे तो ये चैप्टर आपने रीड किए हुए हो, अपनी तरफ से आप जितना कोशिश कर सकें उसको समझ के आएँ अच्छी तरह। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जब पढ़ेंगे सेकंड टाइम तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी का कोई सवाल है जो मैंने अभी तक बात की है? आज थोड़ी सी थ्योरी हमने डिस्कस की है कि कैसे मामला चल रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि हो क्या रहा है, जब ही तो आगे बात समझ आएगी ना। तो हमने इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और ये आपने क्या करना है, घर से रीड करके आना है अच्छी तरह। ठीक है जी, चलें।